क्या ये जो मामला है ये सुजाता पॉल जी का है या पूरी कांग्रेस का है? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि ये सुजाता पॉल उठा रही है या पूरी कांग्रेस उठा रही है। देखिए, मैं उत्तराखंड की जनता की आवाज हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी की एक सशक्त प्रहरी बनाई गई हूँ अपने नेता राहुल गांधी के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बात मैं कह रही हूं वो कांग्रेस की आवाज है और मेरी जनता इस बात को समझ ले, उन्होंने किसी को भी वोट दिया हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार लोग कहते हैं आपने इसका मुद्दा उठा लिया, नहीं, मैं अगर कांग्रेस पार्टी में हूं तो जनता को बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को जगा दी भारतीय जनता पार्टी बनने के लिए। किसी भी पार्टी को आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस देखिए ना बंगाल में, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की नेता होती थी, कई हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं। इसलिए जनता ये समझ ले, आप किसी को भी वोट दे मैं उसमें नहीं जाऊंगी, मैं चाहूंगी कि आप सही को समझे, आप हाथ पर अपना मोहर लगाएं, लेकिन आपके लिए अगर कोई भी विषय होता है जिसमें आपके साथ अन्याय होता है मैं आपके साथ खड़ी हूं। नहीं लेना देना मुझे वोटों की राजनीति नहीं, लोगों के लिए राजनीति हम करते हैं और यही कांग्रेस पार्टी करती आई है हमेशा से, वरना आज आजादी कहाँ मिली होती, वरना हम तो अंग्रेजों के गुलाम होते। अंग्रेजों के गुलाम जो है उन्हीं के तो अनुयायी हैं जिन्होंने भ्रमित करा और हमारी जनता ने उनकी बातों पर विश्वास किया और उसका मैं सम्मान करती हूँ। लोगों ने विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बहुत अच्छा करेगी, लेकिन आज देखिए मेरे बंडा पुरोहित भाई वो सड़कों पे है, हर जगह जनता त्राहिमाम है। तो ये समझ नहीं है सरकार कि आप आज सत्ता में बैठे हैं लेकिन अगर मेरी जनता के साथ कुछ भी गलत होगा तो कांग्रेस पार्टी आपके विरुद्ध खड़ी है और आपको जवाब देना होगा।